जोरा खाला जोरा कहाँ है खाला जोरा कहाँ है खाला अभी आ जाएगी आ तो जाएगी पर गई कहाँ है खाला कभी कभी अपनी मर्जियां करती है पर उसके दिल में कुछ नहीं होता ये बता खाला वो गई कहाँ है तेरी मांगे वाली तेरे नाम के चुमके पहनती है तेरे नाम की अंगूठी पहनती है इस तरह ना पूछ कहाँ गई है सीधे सवाल का उल्टा जवाब न दे खाला वो रामस मर जाने का पता करन गई है मेरे कत्ल से बड़ा जुर्म किया है तुमने तुझे तो सजा मिलेगी जोरा सजा दे जुर्म किया है तो जुर्म की सजा बोल सजा बोल दूंगा तो सह जाएगी तू सजा बहुत और सोच तुझे सजा क्या मिली है जिसे देखने गई थी वो तो आंख उठा के मुझे देख भी नहीं सकता अब दुख उसके देखने का नहीं है अब तो दुख उसे देखने का सोरा आंखें नीचे कर उन आंखों से मुझे ना देख जिन आंखों से उसको देखा है तुमने तुझे प्यार से बोला था जोरा उस मरण जोगे को मिलने ना जा फिट है मुंह तेरा अल्लाह पुत्र जी तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं मैं पुत्र जी तुम्हारा चाचा जी हूं मैं चिराग ओ नाम कुछ सुना हुआ लगता है हाँ जी मेरा नाम मुझसे ज्यादा मशहूर है बैठने के लिए कहो पुत्र जी माशाल्लाह चश्मे बदूर हाँ जी पुत्र जी अपना अब्बा जी कहाँ है
सजा बोल दूंगा तो सह जाएगी तू, सजा बहुत और सोच तुझे सजा क्या मिली है। चार दिन पहले उसके बोल मीठे थे, हंसता था, खुश रहता था, अब तेरी मेहरबानी से ज़बान उसकी फेर कौड़ी हो गई। मैंने उससे शादी करनी है अम्मा, अपने आप को उसकी गुलामी में नहीं देना। गुलामी पसंद नहीं है तो किसी को ऐसी तेरी आजादी भी पसंद नहीं है कि तू बगैर इजाजत रावण से मिलने चली जाए। तुम दोनों अम्मा इसको रामेश से मिलना कहते हो? उसे तो ये भी नहीं पता चला होगा कि कोई जोरा अस्पताल आई थी। उसे तो पता चल गया ना कि तू अस्पताल गई थी। मैं अम्मा अपना सर दीवार पर मार दूंगी। इस तरह तेरा दिमाग ठीक हो जाए ना तो मैं तो कहती हूं मार ही दे। हसद भरियो साहब, वाल मेरे भी चिट्टे हो गए हैं और वाल आपके भी चिट्टे हो गए हैं। पर हसद भरियो साहब, वाल चिट्टे होने का मतलब है कि अकल का मौसम शुरू हो गया है। हाँ जी। ना जी, अकल के मौसम में बेअकली जेब नहीं देती। वो अपना यावर कमाल और माहम कोई जोड़ तो नहीं बनता ना जी। वो इस तरह के जोड़ बनते होते तो खैर से सुरैया बतूल आपकी परजाही ना होती। जी असद वरियो साहब, बात गुस्से की नहीं है, बात अकलमंदी की है। और खैर से आप अकलमंद ना होते तो 2000 बंदा आपकी कैद में होता। कैद में? जी वेखे ना भाई साहब, 2000 बंदा कैद में हो तो नाम जेलर होता है। ये तो ड्यूटी हुई ना मेरे चराग साहब। ओ ना जी असद वरियो साहब, ना, ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती। सबसे बड़ी ड्यूटी अपना अपने बच्चों की होती है। अब देखे ना, मैं इस वक्त आपके भतीजे की ड्यूटी पर। मतलब मेहर मुबारक? हाँ जी। लो जी असद वरियो साहब, बड़ी याददाश्त है जी आपकी। लो जी, उस नलायक ने किसी जगह अपनी माहम को देख लिया, पुराने एल्बम में से तस्वीर निकाल के मेरे सामने रख दी और जिद करके कहने लगा, अब्बा जी मैंने इसी लड़की से शादी करनी है। नाजुक बदन है कोई जिसको नफरत के शोलों में जलना भी है। जिसकी किस्मत में लिखे हैं दारो रसम
जिसको सूली पे सजना सवरना भी है, जिसको सोहनी के कच्चे घड़े की तरह पानियों के भंवर में उतरना भी है, उतरना भी है। मैं भला क्या कहूँ, प्यार क्या चीज है। लो जी असद वड़ियो साहब, आप हां कहें तो मैं मेहर मुबारक को जाकर मुबारक दूं। हम 10 साल के बाद मिले हैं मेहर चिराग साहब, मुलाकात में इतनी देर हो जाए तो एक दूसरे को फिर से जानना पड़ता है। मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं टूटा हुआ सिलसिला फिर से जोड़ने की कोशिश करता हूं। मतलब ये कि अभी मेहर मुबारक को मुबारक देने की जरूरत नहीं है। लो जी फिर मुलाकात। मैं और मुबारक के लिए मुबारक ढूंढने आता रहूंगा। अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। और नाइस टू सी यू एरिया। वैसे पुत्र जी, मौजूदा इत्तलात के मुताबिक तो आपका यहां आना नहीं बनता था। खैर, अपना अपना साहब है, कहीं जमा कहीं तफरीक, हासिल जीरो। यूं भी होता है? हाँ जी, यूं भी होता है। कोई होता है जो बाली को इकबाल कह देता है। तुम इकबाल हो? ना जी, सारा शहर जानता है कि मैं बस बाली हूं। आपसे मिलता हूं तो याद आता है कि इकबाल हूं, या फिर याद आता है जब जज साहब ने मुझे सजाए मौत देते हुए इकबाल कहा था। दो दिन पहले मेहर चिराग का फोन आया था।
मुझे यह बताने के लिए कि मां से मेरी मंगनी टूट गई है, और मैं ये बताने आया हूं कि मेरे दुश्मनों तक जुड़ने की खबर पहुंचे तो मैं राजी हूं, टूटने की खबर घर से बाहर नहीं जानी चाहिए थी। टूटने की खबर ही घर से बाहर जाती है यावर कमाल, जुड़ने की खबरें तो लोग सुनी अनसुनी कर देते हैं। ये तो मेरे सब्र को ललकारना हुआ सतवरी साहब। तुम्हारा इस तरह बात करना मेरे जब्त को ललकारना है यावर कमाल। आप जीते हुए हैं सतवरी साहब, मैं हारा हुआ हूं। यही तो हम फ्यूडल्स की खराबी है यावर कमाल, हम किसी के इनकार को अपनी हार समझ लेते हैं। मेहर चिराग ने ठट्ठा किया है, मजाक उड़ाया है मेरा, फोन करके मेरी आबरू और वकार पर हाथ डाला है उसने, और आप कहते हैं कि मैं इनकार को हार ना समझूं। फोन तो तुम्हारे पास भी है यावर कमाल, तुम भी फोन करो उसे, ठट्ठा करो मेहर चिराग से, मजाक उड़ाओ उसका। उसके पास मजाक उड़ाने की दलील थी सदवरियो साहब। दलील तो तुम्हारे पास भी है, वो मेहर मुबारक के लिए माह का हाथ मांगने आया था मेरे पास, मैंने साफ इनकार कर दिया। ये मेरी स्टडी है, जब मैं उदास होती हूँ तो अपनी किताबों से बातें करने लगती हूँ। आप उदास क्यों होती हैं? कभी कभी उदास होना अच्छा लगता है। एक बार तुम कभी उदास नहीं हुए? होता हूं जी, कभी कभी मैं भी उदास होता हूं। कब कब उदास होते हो तुम? जब वो उदास होती है। वो कोई बहुत ही सोहनी है जोरा, सोनी कोई मूरत नहीं होती अम्मा, जिस पर दिल बेईमान हो वो सोनी हो जाती है। तेरा मतलब है पाली बेईमान हो गया? ये तो कोई उस ईमान वाले से जाके पूछे। शक ना कर जोरा, उसे शक करने की खुली छुट्टी है। मैं व्यवहार का पता करने चली जाऊं तो मैं बुरी, और वो कल्फ वाले कपड़े पहन के कंगी पट्टी करके अपने मोहसिन से मिलने चला जाए तो वो सूफी सनाउल्ला। जोरा, तुझे ये सारी खबरें कौन देता है? मैं अखबार में पढ़ती हूँ अम्मा। हाँ हाय, ये खबर अखबार में भी आ गई है। तुम्हें देखकर खुशी होती है इकबाल। ये कहना जेलर साहब,
मुझे जिंदा देखकर खुशी हुई है। तुम जीते रहो बेटा, मगर मैंने जिंदगी को इस तरह मौत के चुंगल से निकलते हुए पहले कभी नहीं देखा। मुझे मौत से बचकर पता चला जेलर साहब, कोई है जो मेरी जीने की दुआ मांगता है। यावर कमाल बोल रहा हूं, आपका भतीजा चाचा जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पुत्र जी, आज आपका फोन आ गया। मैंने कहा चाचा जी का हाल चाल पूछ। उस दिन असद वरियों के घर गए थे आप। सीधी तरह बोल, जलील करने के लिए फोन किया है। ना चाचा जी, मैंने तो आपको मुबारक देनी थी। अब तेरी मुबारक पर मैं खैर मुबारक तो नहीं कह सकता ना पुत्र जी। शुक्र करें चाचा जी, असद वरियों ने आपको भी जवाब दे दिया है। वरना वरना पुत्र जी, वरना वरना मेहर मुबारक का सेहरा आपने मेहर मुबारक के जनाजे पर रखना था। आए पुत्र जी, जनाजे की बात न करना, वरना मुर्दे का मुंह देख कर पता चलेगा मंजी पर मेहर मुबारक है कि यावर कमाल। ओए चाचा जी, दोबारा भूल कर भी असद वरियों के घर गए तो मेहर मुबारक के नाम के साथ अल्लाह बख्शे कहना पड़ेगा। अल्लाह, तेरी तबीयत ठीक नहीं है यावर कमाल, तुझे गोली देनी पड़ेगी। अंदर आ, अंदर आना। इसने अगर कोई जुर्म किया तो गर्दन काट इसकी। तेरी बजाय किसी की तरफ देखे तो आंखों से डेले निकाल दे। यो चौक चुराहों में वखरा होके ना बैठ। चला छुरी, गर्दन काट ले, आंखों से डेले निकाल दे। बनती है वो सजा दे और अपनी दिल की तसल्ली कर ले, फिर मान ले कि मेरे दिल में तेरे से और कोई नहीं। दिल की बात न कर जोरा, उसे तो खैर की हड्डी पे खर्च कर रही है। शर्म कर, मक्कर न कर जोरा। मक्कर तू करता है, जेलर की बेटी से मिलने के लिए मुझसे आग चढ़ाने के बहाने ढूंढता है कि अजाब से डर। अल्लाह, इसे कह खाला अपनी शक्ल गुम करे। शक्ल तो गुम कर तू। Thank you.
बात संभाजी, अब आपकी डिप्लोमेसी नहीं चलनी, गोली चलनी है। या वर कमाल बचेगा या मेहर मुबारक बचेगा। गुस्से की शय पे लड़ेगा तो यावर कमाल ही बचेगा, तू नहीं बचेगा पुत्र, और तू नहीं बचेगा तो मेरे पास क्या बचेगा। यावर कमाल की ऐसी की तैसी। और ना पुत्र ना, मुंह से फायर नहीं करते। अब मुंह के फायर से तो चलिया चिड़ी नहीं मरती। यावर कमाल तो 6 फुट का पाही है। दुश्मन को सर पर चढ़ा के रखेंगे तो गर्दन मारेगा बाजी। नलैका, दुश्मन को मौत से मारने के बजाय मौत के डरावे से मारते हैं पुत्र। मौत से डरेगा तो गलती करेगा, गलती करे तो मरे ही मरे। तुम्हें किसी के घर में दाखिल होने का तरीका याद है? मुझे बस इस घर से निकलना याद है मां। जिस तरह तुम अंदर घुसे हो, तुम्हें यह भी नहीं कहा जा सकता कि बैठो चाय पियो। मैं खून के घूंट पीकर आया हूं यह बताने के लिए कि यह खून मेरे हलक से नहीं उतरता। एवरी टाइम यू गॉट अ प्रॉब्लम And I'm just not bothered by it. But I do bother. I do bother about Mehr Mubarak. I do bother about Pali. Oh. And may I ask your capacity, Mr. Yavar Kamal? तुम्हारी उंगली में मेरे नाम की अंगूठी होती थी मां। अंगूठी उतर गई और नाम तुम चाहते हो मेरी नजरों से उतर जाए? परवाह नहीं, बस इतना याद रहे कि पाली अगर अब दोबारा इस घर में घुसा तो मुझे भी याद नहीं रहेगा कि असद वरियो साहब सुपरिंटेंडेंट जेल होते हैं। मैं आपसे कुछ मांगने आई हूं यावर अंकल। श्योर यावर अंकल।
तुम चाहती हो यावर कमाल किसी की जूतियां उठाकर अपने सर पर रख ले। अगर जूतियां सर पर उठाने से रामिस को जिंदगी मिलती है तो मुझे बाली के पास ले जाइए, जूतियां अपने सर पर मैं उठा लूंगी। हमारी ओन, हमारे वकार का ख्याल करो। हमने जाने गवाई है रामिया हयात अहमद, कभी किसी से जिंदगी की भीख नहीं मांगी। भीख नहीं है यावर अंकल, उस अनचाहे तबीब के पास रामिस का इलाज निकल आया है और दवा मांगने के लिए उसूल और शरात दोनों की हद लागू नहीं होती। तुम घर जाओ रामी। घर किससे जाऊं यावर अंकल, वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा मौत के हयोले को देख रहा है और आप देख रहे हैं कि मौत उसे दबोच क्यों नहीं लेती। ठीक है यावर अंकल, अगर आपको इनकार है तो बाली से मिलने मैं खुद जाऊंगी। अगर रामिस की जान बचाने के लिए मेरी आन और वकार दाव पर लगता है तो ये सौदा इतने ही घाटे में होगा। रुको रुको रामिया, मैं जाऊंगा बाली से मिलने और मैं लेकर आऊंगा उसे। कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ। आज दरवाजा तुमने खोला, बाली नहीं है क्या घर पे? जी नहीं। और हाजरा? वो बाली को ढूंढने गई है। बाली को ढूंढना पड़ता है? जी हाँ, बाली को ढूंढना पड़ता है। आप पाए ना? जीती रहो सहारा। नहीं, आज सहारे की जरूरत थी। आज सहारा देने वाला नहीं है। सिवाय वक्त के कुछ नहीं बदला। जी तुम बाली की क्या लगती हो? मैं उसकी कुछ नहीं लगती। वो तुम्हारा क्या लगता है? मेरा मंगेतर है। आप आज भी नहीं बताएंगे कि आप कौन है? ये ना पूछो बेटा। क्यों ना पूछो? अच्छा चलो बता देता हूं। मैं एक मुसाफिर हूं बेटा, कमाने के लिए घर से निकला था। हजारों मील का सफर किया मैंने। जब आंखें खोली तो वहीं पे वापस आ गया हूं।
यहां से सफर के लिए निकला था। आंखें क्यों बंद की थी? जब किसी का हाथ पकड़कर चलते हैं ना बेटा, तो असल में आंखें बंद होती हैं। चाय लाओ? नहीं, चाय नहीं, एक गिलास पानी ला दो। अभी ले। आप हमेशा पानी क्यों मांगते हैं? इस घर का पानी मेरे अंदर उतरता है तो मेरी रूह की प्यास मिट जाती है। बीच की कोई बात है जो आपने छुपा रखी है। अब मैं चलता हूँ बेटा। पानी पियो और चल दिए। असल में मुझे तुमसे डर लगता है, कहीं तुम सचमुच ना पूछ लो और मैं सचमुच कहीं तुम्हें बता ना दूं। मैं आपको दूर तक जाते हुए देखूंगी। क्यों बेटा? जहां तक मैं आपको देखती जाऊंगी आपका लड़खड़ाकर गिरना टलता जाएगा। जजी, लुक डाउन। अरे लुक डाउन है यार। बाली कहाँ है? तुम में से बाली कौन है? लुक डाउन, तुम कौन हो? पूछा है तुम में से बाली कौन है? बड़े घट नजर लगते हो, तुमसे बाली पछाणा नहीं जाता। बड़े दिल वाले हो तुम, मुझसे बात करते हुए जान नहीं निकलती तुम्हारी। जान की फिक्र करते हो, मौत से डरते हो क्या? चलो चलो मेरे साथ। वेरी क्लेवर। मेरा नाम चच्ची है, मैंने कभी बंदा नहीं मारा। पिस्तौल फेंक दे वरना मार दूंगा तुझे। आपकी तरफ से इजहार और उसकी तरफ से इनकार। मैं खुद बात करूंगा उससे। खुद बात कर लोगे तो अब्बा जी को पेशगी जलील कराने की क्या जरूरत है? कि बाली हमारी दुनिया का नहीं है। हाँ, बात करते हैं और साबित करते हैं कि बाली हमारी दुनिया का आदमी क्यों नहीं। तेरा कोई दीन मजहब है जोरा? उसे आप ही कहे शकल गुम कर। अब उसने शकल गुम कर लिया
तब तू चैन से बैठ। तुम यहां मत आया करो, ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। मेरे आने की जगह कौन सी है यावरकर? गिरबान से खींच कर लाऊंगा उसे। चलिए यूं ही सही, पर ले आई उसे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसे रोको जोरा, यावर कमाल से लड़ने जाएगा। खुदा का खौफ कर। तब में पिस्तौल भी है इसके। तू यहां से सीधा घर जाएगा बाली? नहीं, अगर वो इस तकलीफ से जाग रहा है तो सोया आपसे भी नहीं जाएगा। अपने हाथों में अपनी आंखें उठाए मुट्ठी भर नींद मांगते फिरेंगे आप। यावर कमाल तुमसे मिलना चाहता। बस अब तू जा और यावर कमाल से जाकर कह कि बाली उससे मिलना नहीं चाहता। अब्बा जी से मिलकर आया ना? मैं तेरे घर के रास्ते में हूँ, जब तक तेरे सर पर पहुंचता हूँ अपनी हमशीरा को फोन करके आखिरी सलाम कर ले। लगता है मरने की ठान के निकला है।